हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। एक स्मार्टफोन में जो कि मेन चीज क्या होती है, कैमरा। अगर कैमरा अच्छा नहीं हुआ ना यार, उस स्मार्टफोन का लेने का फायदा ही नहीं। हम सब यही चाहते हैं कि एक स्मार्टफोन लें, पैसे भी लगाएं, लेकिन एक बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन चाहिए हमें। चाहे कितना ही सस्ता फोन हो, चाहे कितना ही महंगा फोन हो, हर किसी की ख्वाहिश होती है कि यार कैमरा जो कि यार सेल्फी ले एक अच्छी और गर्लफ्रेंड के पास भेजे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और आजकल तो वीडियो कॉल वाला सिस्टम आ गया, तो अच्छा कैमरा तो चाहिए ही। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टॉप 5 जो कि बहुत जल्दी लॉन्च होने जा रहे बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन। इन पांचों में हमने एक चीज़ ध्यान रखी है, अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग प्राइस रेंज में हमने स्मार्टफोन सेलेक्ट किए। यानी कि अंडर 20,000 की प्राइस रेंज में, अंडर 25,000 की प्राइस रेंज में, अंडर 30,000 की प्राइस रेंज में। यानी कि जिस भी प्राइस रेंज में जो कोई लेना चाहता है, अब मान लीजिए कोई 20,000 की प्राइस तक का फ़ोन लेना चाहता है, कोई 25,000 की प्राइस तक का, कोई 30,000 की प्राइस तक का, लेकिन हमने ऐसा काम किया कि हर प्राइस रेंज में बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन, ताकि आपके बजट के अनुसार आप एक बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन बाई कर सको। तो चलिए हम स्टार्टिंग करते हैं यहाँ पे। साथ ही साथ आपको एक और चीज़ बता दूंगी, केवल कैमरा ही नहीं, इनमें और भी बाकी सारे फीचर्स बेस्ट होने वाले हैं, और भी चीज़ें इनमें बहुत अच्छी अच्छी होने वाली हैं, जैसे कि बैटरी, डिस्प्ले, रैम, स्टोरेज। तो ये सारी चीज़ें सामने रखकर हमने 5 ऐसे स्मार्टफोन सेलेक्ट किए जो कि अपकमिंग स्मार्टफोन है। फर्स्ट नंबर पे इन्फिनिक्स जीरो अल्ट्रा। ये हमने फर्स्ट नंबर पे क्यों रखा, क्या वजह थी? देखिए, सबसे पहले बता दूं कि इसका जो कैमरा है वो 200 मेगापिक्सल का है, और एक वजह नहीं थी कि ये हमने फर्स्ट नंबर पे इसलिए रखा कि कैमरा अच्छा है, इसकी डिस्प्ले भी बहुत बड़ी है, साथ ही साथ बैटरी बैकअप भी अच्छा है, रैम और स्टोरेज भी अच्छा है, और उसके साथ साथ जो कि प्राइस रेंज भी बहुत अच्छी है। सो प्राइस रेंज तो आई होनी ही है, इतना अच्छा स्मार्टफोन है, फीचर्स वाला स्मार्टफोन है। सो चलिए हम इसके स्पेसिफिकेशन जान लेते हैं, क्या आपकी बजट में है स्मार्टफोन या आपकी बजट कैटेगरी से बाहर है। कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए, और भी बहुत सारे सस्ते सस्ते स्मार्टफोन हमने सेलेक्ट किए हैं, डोंट वरी। जिस भी प्राइस रेंज में आप स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो वो आप बाई कर सकते हो। डिस्प्ले 6.8 इंचज जो कि सुपर मोल्ड में देखने को मिलेगी, रैम 8 GB, स्टोरेज 128 GB, बैटरी 5000 mAh, प्रोसेसर मीडियाटेक डायमेंसिटी 920। ये देखिए प्रोसेसर भी कमाल का है, यानी कि इस स्मार्टफोन में कैमरे के साथ साथ और भी चीज़ें अच्छी दी गई हैं। जल्दी लॉन्च होने जा रहा है, और इसमें बैटरी, कैमरा, रैम, एक स्मार्टफोन में क्या चाहिए? देखो, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा एक स्मार्टफोन में क्या चाहिए। अच्छा बैटरी बैकअप, क्योंकि बैटरी के बिना तो काम ही नहीं चल सकता। अब लोगों को इतना टाइम कहाँ है कि एक दिन में 2-2 बार फ़ोन को चार्जिंग पे लगाएं, एक बार सुबह चार्ज कर लेते हैं या फिर रात को फुल चार्ज कर लेते हैं, चलाते हैं। सो बैटरी बैकअप अच्छा होना चाहिए। दूसरी चीज़ कैमरा, कैमरे के लिए स्पेशली वीडियो बनाई गई। तीसरी चीज़ डिस्प्ले तो इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती, क्योंकि बहुत सारे जो कि मेरे फ्रेंड्स हैं उनको मैंने देखा है कि जो छोटे फ़ोन है ना, जिनकी डिस्प्ले छोटी है, उनको भी पसंद करते हैं। मैंने पूछा कि यार क्या हुआ, क्यों छोटे छोटे फ़ोन को, मतलब कि क्या वजह है इतनी छोटी डिस्प्ले है और क्यों पसंद? बोला कि यार ये जेब में आसानी से आ जाता है, इतना बड़ा स्मार्टफोन यार झंझट पैदा हो जाती है। सो डिस्प्ले इतना कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करती, एक चीज़ और मैटर करती है, रैम और स्टोरेज। क्योंकि रैम और स्टोरेज अच्छा होगा तो मोबाइल हैंग भी नहीं होगा, कोई भी गेम आसानी से खेल सकते हो। सो स्पेस होना जरूरी है मोबाइल के अंदर। स्मार्टफोन की प्राइस रेंज जो कि 38,000 रुपये है, 38,000 रुपये में ये स्मार्टफोन आपको मिल जाएगा। फिलहाल एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज ड्रॉप जाएगी, जिस टाइम ये लॉन्च हो जाएगा उस टाइम ड्रॉप जाएगी प्राइस रेंज, उसके 1-2 महीने बाद फिर देखोगे फिर डाउन जाएगी प्राइस रेंज। सो ये तो चलता रहता है। सेकेंड नंबर पे Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus। ये हमने सेकेंड नंबर पे क्यों रखा, क्या वजह थी? बहुत ही सस्ता स्मार्टफोन है ये, वैसे देखा जाए तो अदर स्मार्टफोन की तुलना में, क्योंकि और भी बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं इसमें। तो यहाँ पर बात करें हम डिस्प्ले 6.6 इंचज जो कि सुपर अमोल्ड में आपको देखने को मिलेगी, रैम 8 GB, स्टोरेज 256 GB। ये देखिए रैम और स्टोरेज भी इनफ है। एक और चीज़ जो कि बैटरी 5000 mAh, 120W फास्ट चार्जिंग, प्रोसेसर मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200। ये देखिए प्रोसेसर भी अच्छा खासा है। यहाँ पर बात करें हम रियर कैमरा 2+8+2 MP, फ्रंट कैमरा जो कि 32 MP में होने वाला है। कैमरे की बात हो रही है और कैमरा जो कि 200 MP से नीचे नहीं आना चाहिए आज की इस वीडियो में। प्राइस रेंज कम होती जाएगी, अप होती जाएगी, लेकिन जो कैमरा है वो परफॉर्मेंस 200 MP की होनी चाहिए आज। सो इस स्मार्टफोन की प्राइस रेंज 24,000 रुपये, 24,000 रुपये में आपको 200 MP का कैमरा, 5000 mAh बैटरी, 256 GB में आपको स्टोरेज देखने को मिल रहा है, और क्या चाहिए? बहुत ही सस्ता तो नहीं लग रहा मेरे को ये स्मार्टफोन। थर्ड नंबर पे मोटो X30 Pro।
इसमें कई चीज़ें जो कि ये हमने टॉप 5 की लिस्ट में सेलेक्ट किया, इसकी प्राइस रेंज थोड़ी सी आई है, लेकिन कुछ वजह थी जो कि हमने टॉप 5 की लिस्ट में शामिल किया। चलिए हम इसके स्पेसिफिकेशन जान लेते हैं। एक तो बिग डिस्प्ले, एक जो कि प्रोसेसर अच्छा है, इसमें बहुत अच्छा प्रोसेसर है, इसी कारण से ये हमने टॉप 5 की लिस्ट में सेलेक्ट किया। चलिए हम इसके स्पेसिफिकेशन जान लेते हैं। डिस्प्ले 6.7 इंचेज जो कि IPS LCD में आपको देखने को मिलेगी। रैम 8GB, स्टोरेज 256GB। यहाँ पर बात करें हम, बैटरी 4600mAh, 125W फास्ट चार्जिंग। रियर कैमरा 200MP और फ्रंट कैमरा जो कि 50MP में होने वाला है। प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 8 प्लस जनरेशन 1 का प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा, कमाल का प्रोसेसर होने वाला है, मोबाइल कभी भी हीट नहीं होगा। और इस स्मार्टफोन की प्राइस रेंज जो कि 39,000 रुपये फिलहाल एक्सपेक्टेड है, देखते हैं कितनी अपडाउन होती है जब ये लॉन्च हो जाता है। फोर्थ नंबर पे Xiaomi 12T Pro 5G। ये बहुत ही एक्सपेंसिव लग रहा है मेरे को स्मार्टफोन, लेकिन क्या करें, हमने सारे स्मार्टफोन 200MP के सेलेक्ट किए हैं, तो ये भी सेलेक्ट करना जरूरी था। डिस्प्ले 6.7 इंचज जो कि अमोल्ड में देखने को मिलेगी, साथ ही साथ रैम 8GB, स्टोरेज 256GB, बैटरी 6000mAh, रियर कैमरा 200+8+2+2MP और फ्रंट कैमरा जो कि 20MP में देखने को मिलेगा। प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 8 प्लस जनरेशन 1 का प्रोसेसर इसमें होने वाला है और बहुत जल्दी ये स्मार्टफोन लॉन्च होने जा रहा है। इस स्मार्टफोन की प्राइस रेंज जो कि 47,000 रुपये फिलहाल एक्सपेक्टेड है, देखते हैं कितनी अप डाउन होती है जब ये मार्केट में लॉन्च हो जाता है। फिफ्थ नंबर पे नोकिया N73। ये जबरदस्त स्मार्टफोन होने वाला, कमाल का स्मार्टफोन होने वाला, इस स्मार्टफोन में कोई इतनी सी भी कमी नहीं निकाल सकता, तो वो तो लॉन्चिंग डेट के बाद ही पता चलेगा जब इसके रिव्यू सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए एकदम एक्सीलेंट जो कि इसकी परफॉर्मेंस है। डिस्प्ले 6.9 इंचज जो कि सुपर मोल्ड में देखने को मिलेगी। रैम 12GB, स्टोरेज 256GB। ये देखिए रैम और स्टोरेज इनफ है, बिग डिस्प्ले साइज है, साथ ही साथ बैटरी 6000mAh और क्या चाहिए। रियर कैमरा 200MP, फ्रंट कैमरा 32MP में होने वाला है, ट्रिपल LED फ्लैश में। ये देखिए कमाल कर दिया स्मार्टफोन ने। यहाँ पर बात करें हम, प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 8 प्लस जनरेशन 1 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा और इस स्मार्टफोन की प्राइस रेंज जो कि 42,000 रुपये तो होनी ही है, इतने सारे फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल आप बताइए कि पांचों में से बेस्ट स्मार्टफोन आपको कौन सा लगा और क्यों लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो किस स्मार्टफोन पर होनी चाहिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।